क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? रविंद्र कुमार नाम है, मरोड़ा के रहने वाले हैं। क्या मामला हो गया? मेरी जमीन है, मेरे खाते की जमीन है, एक केस मेरा सिविल जज में विचाराधीन है, और कुछ दबंग लोग हैं जो कृपा शंकर मरोड़ा के कृपा शंकर कोटेदार हैं, सूरज सिंह इनकी भाई, यशवंत सिंह है, सोनू है और दिव्यांशु इनका लड़का, जे जबरन निर्माण कर रहे हैं और कह रहे थे कि बंदूक से गोली मार देंगे, यहाँ पर हम आ गए काम रोकने के लिए। मैं सब जगह एप्लीकेशन भी दिया हूँ कि साहब जी हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमें साहब इसमें न्याय चाहिए। कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई अभी तक। ये काम बराबर लगा रहे हैं, हम बराबर शिकायतें कर रहे हैं कि साहब से जो काम हो रहा है, काम कर रहे हैं बराबर, हम ये काम कर रहे हैं जी, लेबर 25-30 लगाए और ये गड्ढा पिलर जैसे पूरी उठाई कर रहा है, केस बेचारा दिन भी है। फिर भी जी नहीं कह रहा हूँ मैं, जब भी फैसला न्याय से मिलेगा उसको स्वीकार करें ना, हम करेंगे और वो करेंगे। आपने उन्हें रोका नहीं, मना नहीं किया? हमने मना किया था उनको तो वे जबरदस्ती बोले साले बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे, यहाँ पर रोकने के लिए आए। जब हम रोकने गए तो हमसे बदतमीजी से बोले, गाय गलौज करने लगे और लड़ने लगे हमसे। इसमें साहब ये चाहते हैं कि हमें इसमें न्याय मिलना चाहिए और ये काम निर्माण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये विचाराधीन केस चल रहा है और गुंडागिर्दी के बल पे कर रहे हैं जी। बिल्कुल, पुलिस को सूचना दी थी, 112 नंबर आई थी, इसके बाद 112 आई, उन्होंने कहीं काम रोक दो, तो ये उनके सामने कह रहे हैं नहीं काम नहीं रुकेगा, गुंडागिर्दी के दम पे बोले काम नहीं रुकेगा, बोले काम तो कोई रोक ही नहीं सकता है, बोले काम रुक ही नहीं सकता है। हमें चाहते हमें न्याय मिलना चाहिए और जो निर्माण जबनो किससे कोई फैसला नहीं आता है, जबनो इसमें उठाई वगैरह कुछ नहीं लगना चाहिए।